हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानेंगे कि आपको यह सप्ताह जो है नवंबर माह के पहला यह सप्ताह आपके लिए होने वाला है। कुछ खुशियों को लेकर, कुछ खुशियों का उल्लासों को लेकर आने वाला है, तो कुछ खुशियों को चार चांद लगाने का विचार बन सकता है। कुछ बड़ी घटनाओं का संचार आपके जीवन में देखने को मिल सकता है, तो कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्ति हो सकती है, जो कि आपको बताएंगे। 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का दिन आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की खुशियाँ आप सभी के जीवन में देखने को मिलेगा, जो कि नवंबर माह का पहला सप्ताह जो रहेगा खास, कि आप प्रकार की खास और किन चीज़ों से खुशियों को देने का कार्य करेगा। आज के दिन कुछ बातें हैं जो कि आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि त्यौहारों का यह सप्ताह है, यह त्यौहार इस दिन में माँ लक्ष्मी का आगमन किस प्रकार होगा और किन चीज़ों से आप सभी को जीवन के सपने पूरे हो पाएंगे। और यह जो है दीपावली के शुभ दिनों पर पड़े जा रहे हैं, जो कि सारे दिन खत्म हो जाएंगे, सारे पूजा पाठ खत्म हो जाएंगे। यह दिन में क्या किस प्रकार आप सभी भगवान विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं, जो कि आपको सारी बातें वीडियो के माध्यम से बताते चले जाएंगे। जो कि आज के दिन कुछ खास आपके लिए रहेगा, आपके परिवार के लिए रहेगा, जो कि आप सभी के लिए उलझाने पड़ेंगे, किस प्रकार खास उपायों को कर सकोगे, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको बताएंगे कुछ साप्ताहिक राशि के अनुसार से कि आज के दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए कैसे बीतेंगे और किस प्रकार परिस्थितियों से आप सभी को लड़ने की शक्ति प्रदान आप सभी के जीवन में करी जा सकते हैं। आज आप सभी को बताएंगे आपको व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ, आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ बातें हैं जो कि आपको साप्ताहिक राशिफल आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन आप सभी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आने वाले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किसके भाग्य में कितनी खुशी है, किसे मिलता है गम, किसको मिलेगा प्यार और किससे होती हैं पैसों की बरसात और बौछार। आपको जीवन में कुछ खास बातें, उत्साहपूर्ण बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहें, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपका उत्तम है, ठहराव समाप्त होगा, पैसों आने का मार्ग खुलेगा, स्वयं माँ लक्ष्मी का आज आगमन होगा, स्वयं का मकान प्लाट खरीदेंगे, पारिवारिक सहयोग से सुखद परिणाम आपको मिलेंगे, मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा हो सकते हैं, मन आपको प्रसन्न रह सकता है, प्रेम संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में आपको प्रेम बढ़ सकता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है, नौकरी व कारोबार में वृद्धि हो सकती है, बहुत ही सुख पर खर्च कर सकते हैं, कुछ बड़े कार्यनामों को आप अपने द्वारा कर सकते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह सप्ताह जो है आपके लिए काफी उन्नतिकारक होगा, यह सप्ताह के जीवन में कुछ खुशियों को देने का कार्य करेगा। आप सभी कन्या राशि के लोगों को बता दें, जातकों को यह सप्ताह की शुरुआत में कुछ जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी व्यवहार में बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत हो सकती है। करियर के बारे में कुछ मुश्किलों के आ जाने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा। अनचाही यात्रा, अनचाही जगह पर तबादला या काम काज का बोझ बढ़ जाने से मन दुखी रहेगा। व्यापार में फंसे हुए धन को निकालने के लिए आप काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले आपको सोच समझ कर हाथ आ सकते हैं। यदि संभव हो तो विवादों का निपटारा भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में कर सकते हैं। भौतिक जीवन, भौतिक जरूरतों पर जेब से ज्यादा खर्च, धन खर्च हो सकता है। आपको यह सप्ताह के उत्तरांत में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। किसी प्रिय के घर में आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। यह सप्ताह प्रेम संबंध में कुछ गलत तालमेल पैदा हो सकते हैं, जिससे विवाद के बजाय आपको संबंध से सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। बात बन जाएंगे, कठिन समय में जीवन साथी का आपको सहयोग बना रहेगा। हनुमान उपासना कर सकते हैं, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यह सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही खुशुभ रहेगा, तो कई सारे खुशियों को देने का कार्य करेगा। यह सप्ताह कुछ मनोकामनाएं आप सभी का पूर्ण होगा। यह सप्ताह जो है आपके लिए काफी उन्नतिकारक होगा, आपके सोचे हुए कार्य सफल होंगे, आप सभी को जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा रहेगा। आप लोगों के लिए दिन भी बहुत बढ़िया है, आप सभी के जीवन के सपने
हैं पूरे हो जाएंगे। इस दिवाली पर होंगी बड़ा ही चमत्कार, किसी पर होंगे मेहरमान, किसको मिलेगा भाग्य का साथ, तो आपको बता दें कि आप सभी जातकों के लिए नवंबर माह का यह पहला सप्ताह जो है खुश खुश सौगातें लेकर आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में परिजनों के साथ मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर आपका धन खर्च होगा। बाण सुख की प्राप्ति होंगे। परिवार के साथ खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्ति होंगे। कार्य क्षेत्र से पारस चले आ रही परेशानियों में कमी आएंगे। मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कारोबार की उपेक्षा आपको अनुरूप लाभ प्राप्ति होगा। उत्तरांत में भावनाओं में व्याकर कोई भी निर्णय लेने से बचे। अपने सेहत का ख्याल रखें। मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं को ना पालें, अन्यथा प्रेम संबंध में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बढ़ सकता है। आपको धन आपको की प्राप्ति होंगे। यह समय आप सभी कन्या राशि के जातकों के सेहत और धन पर आपको खूब ख्याल रखना हो सकता है। आप सभी को सप्ताह की शुरुआत में आप सभी को अनावश्यक चीजों पर आपको जेब अधिक खर्च के अनुसार चिंताएं सता सकती हैं। छोटे से छोटे कार्य में भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आप अपने विवेक से उसे सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। और कह देते हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो यही है यह सप्ताह खुशियां जो है आपके पास क्रिकेटों में आ सकते हैं। यह सप्ताह के मध्य पर पर्व की थकान जो है बने रहेंगी। इस दौरान आप सभी को खान पान विशेष रूप से करने हैं। आपको नशे से दूर रहने हैं, वाहन सावधानी पूर्वक चलाने हैं, लोटे सट्टेबाजी में पैसा न लगाने हैं। कुछ अच्छी बदाओं के बावजूद कारोबार अपनी गति से चलता रहेगा। प्रेम संबंधों में संगरत्मकताएं मोड़ आएंगे। लव पार्टनर्स के साथ बेहतर व्यतीत करेंगे समय को। जीवन साथी के साथ समझ बढ़ सकता है। आप सभी को जीवन में खुशों के साथ चांद लहरें दौड़ सकते हैं। कुछ आपकी मनोकामनाएं कुछ बड़ी बड़ी कार्य पूरे होंगे। कुछ चीजों से आपको वृद्धि करने का मन लगेगा। यह साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपको बता दें कि यह सप्ताह जो है आपके आने वाले दिनों को काफी ज्यादा बेहतर बना सकता है। मां लक्ष्मी जी की आसीन कृपा, गणेश जी की आसीन कृपा आपके जीवन पर पड़ रहे हैं और आपको जीवन में कुछ चार चांद करने का मौका देने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर माह के पहले यह सप्ताह जो है आप सभी जातकों का काम काज को लेकर अत्यधिक रूप से व्यवस्थाएं बढ़ रहेंगे। बावजूद भी इसके मनचाहे कार्य पूरे न होने से मन थोड़ा कहीं ना कहीं असंतोष रहेगा। आप और भी ज्यादा चीजों को बेहतर कर सकते हैं। यह समय हर किसी से अपने मन की बात को जो है मन की बात को बताने से बच सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा इसका गलत फायदा उठा सकता है। धन से जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के अतिरिक्त स्रोतों को तलाशने हो सकते हैं। कारोबार में कोई रिक्शे लेने से बच सकते हैं। सेहत से संबंधित परेशानियों की अनदेखी न कर सकते हैं, नकार हैं। पेट एवं हड्डियों के संबंधित पुराने रोग उभर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकते हैं। कठिन समय में लव पार्टनर्स का पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी के साथ घटी मिट्टी तकरारें चलती रहेंगी। दूध में तेल डालकर आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, शिव चालीसा का पाठ करने हैं, कुछ खुशियों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने हैं। महिलाओं का जो है अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। प्रेम संबंधों में प्रगटताएं आएंगी। परस्पर सुख संयुक्तता व्यवहार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरताएं बनी रहेंगी। आपके सपने सच होंगे। बहुत ही सारी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की